भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं, और अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। बच्चे ये सेशन क्या है, साथ के साथ 7 मिनट ट्रिक को ज्वाइन करिए। लाइव टेस्ट, डिफेंस एग्जाम, सभी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ये जो लाइव टेस्ट है 9 बजे होता है, ठीक है, लेकिन ना आज बहुत ज्यादा दिल्ली में वेदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं इस लाइव टेस्ट को यहां पर प्रीमियर कर रहा हूं 11 बजे। सेम 9 PM वाले क्वेश्चन है जो मैं अभी 11 बजे आज करवा रहा हूं, क्योंकि मिस होगी क्लास 9 बजे वाली इंटरनेट की वजह से, तो मैं नहीं चाहता आपके क्वेश्चन जो है मिस हो। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं यहां पर। आपको क्या करना है, इस क्लास को कंप्लीटली देखना है, हर एक क्वेश्चन पे आंसर जरूर देना है। लाइव टेस्ट तो है लेकिन भैया अभी प्रीमियर हो रहा है आप सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वही हैबिट रखेगा जो लाइव टेस्ट की है। डेली होगा, कल भी होगा 9 बजे लाइव टेस्ट, लेकिन आज बस इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने लाइव टेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट। वैसे आज मैं लाइव टेस्ट इसे बोल नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चंस तो भाई क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अपने। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख लेता हूं एक बार, एक अभी तो नहीं है ना डिस्कनेक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डस मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या बच्चे, आंसर क्या है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द क्वालिटी इज दैट सेंसेशन ऑफ साउंड। बच्चे अगर मैं साइंस की जो साउंड होता है उसकी क्वालिटी की अगर बात करूं तो वो किस पर डिपेंड होता है, साउंड की क्वालिटी क्या होगी। अगर हम एक JBL के स्पीकर्स यूज करते हैं और एक जैसे लोकल यूज करते हैं तो साउंड क्वालिटी अलग होती है, और वो किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है बच्चे, वेव फॉर्म जो है उस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की साउंड क्वालिटी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द टू कंट्रीज स्टार्टेड शाहीन 7th फाइटिंग रिसेंटली। जल्दी से बताएगा कौन सी दो कंट्री के बीच में। क्वेश्चन नंबर शाहीन जो है, ये जो फाइट होता है एक तरीके से प्रैक्टिस होती है, वो किसके बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बच्चे, आंसर क्या है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, कुकिंग ऑफ राइस इज हार्डर, ठीक है भाई, किस वजह से, कौन सी जगह पे। सिंपली सा सवाल ये पूछा है कि जो हम चावलों को पकाते हैं वो बहुत मुश्किल से पकते हैं, कौन सी जगह पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या बच्चों, पहाड़ी इलाके में ये बहुत मुश्किल से पकते हैं, दिमाग में रखेगा, पहाड़ी इलाके में। देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताएगा, सेकुलर एजेंडा, ये जो बच्चे किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, सेकुलर एजेंडा जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, दिमाग में रखेगा, अरुण सोरी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ये सोल्डरिंग क्या है, एक तरीके से ये है मिश्रित धातु, ठीक है, मिश्रित धातु है जो कि क्या बोलते हैं, मेटल को बना के यूज किया जाता है। अब ये सोल्डरिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल, अगर मैं दो मेटल को जोड़ना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी किस वजह से पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, कोहेशन, किसी चीज को जोड़ने का मतलब क्या होता है, कोहेशन होता है, ठीक है, जैसे अगर हम फेविकोल की बात करें उसमें कोहेशन पावर होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या, हाइड्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये हाइड्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों। क्लास इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अभी प्रीमियर करवाई है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, मिस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या है, साउंड अगर पानी के नीचे अगर हमें मेजर करनी है तो वो हाइड्रोस्कोप के थ्रू मेजर किया जाता है। व्हाई क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में बादल तैरते हैं, उसका कारण क्या है, कोई भी चीज तैरेगी उसका कारण एक ही हो सकता है बच्चों, लो डेंसिटी, कम घनत्व क्या है कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इन विच इंडियन स्टेट इज द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ओनम का जो फेस्टिवल बड़ा फेमस है। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या है बच्चे, केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, ऐसे फेस्टिवल को क्वेश्चन में ओनम बहुत ज्यादा फेमस है, आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर बताएगा बच्चे, लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, ये तीनों के तीनों स्पीसीज है एक ही जीन्स के, और वो जीन्स कौन सी है हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या होना चाहिए, पैंथरा, इसका आंसर है पैंथरा जीन से ये लॉयन, लेपर्ड और टाइगर क्या है जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट अ शॉक वेव,
जिसको हम क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ ना जितने भी फाइटर जेट होते हैं वो सब क्या है, सुपर सोनिक एयरप्लेन है, और वो जो शोक वेव प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। उनकी जो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है ना वो मैक में मेजर होती है, इतनी ज्यादा होती है, 5 मैक हो गया, 2 मैक हो गया, इस हिसाब से इंटेंसिटी होती है। हाँ भाई, कौन से ऐसे 3 एलिमेंट है जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर, आंसर क्या है बच्चे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये क्या है, तीनों एक ही से कंबाइंड है, एक ही से जुड़े हुए। बुद्धा ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? डियर पार्क में। जल्दी से बताइए, बड़ा सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चे, क्वेश्चन 100 के 100 करने हैं हमें। क्लास 9 बजे वाली जो है उसका प्रीमियर डाला है 11 बजे, क्योंकि भैया क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन हम एक दिन ना करें ये हम नुकसान करेंगे अपना, इसलिए इसको क्लास को देखना जरूरी है। जितने बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, सारनाथ इसका आंसर है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अगर एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसको हम बजा रहे हैं और उसको अगर पढ़ना है, उसकी स्टडी जो है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सोनोमीटर को यूज किया जाता है। किसको? सोनोमीटर को यूज किया जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसका कारण क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसका क्या कारण है? जल्दी से कमेंट करेगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है किस वजह से? जल्दी से कमेंट करिएगा किस वजह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इंक्रीज होने से प्रेशर से, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ऐसे अगर मैं कुकर की बात करूं उसमें भी प्रेशर क्या है, चेंज होता है। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में प्रेशर क्या है, ज्यादा कम हो जाता है, इसमें क्या है, प्रेशर क्या है, इसमें एल्टीट्यूड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बताइए किस वजह से, क्या चेंजेस होंगे? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएगा, लेक फ्रीज इन द कोल्ड कंट्रीज। अगर मैं ठंडे इलाकों की बात करूं तो विंटर में ना जो लेक होती है वो बर्फ बन जाती है, और जो नीचे का पानी होता है वो क्या है, वाटर ही रहता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, कितने डिग्री सेल्सियस पे? आंसर क्या है बच्चे, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, नाना फर्नांडिस का जो ओरिजिनल नाम था, मूल नाम जो था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बच्चे, आंसर क्या है, बालाजी भानु इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से संबंधित है? बताइए कौन से अमेंडमेंट से संबंधित है, जल्दी से बताइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, आंसर क्या है, 86th अमेंडमेंट से। किससे संबंधित है? 86th अमेंडमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसके द्वारा की? मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि इतने सरल सवाल है जो कि 1 मिनट में 4 तो होने ही चाहिए, उसी स्पीड में मैं आपसे इसमें करा रहा हूं। ठीक है, आप बस क्लास को मिस ना करें, 9 बजे वाली क्लास का जो क्वेश्चन है वो सारा करा रहा हूं अभी 11 बजे, क्योंकि क्लास मिस हो गई थी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन क्वेश्चन देखना जरूरी है सारे के सारे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है बच्चे, चार्ल्स शेशिल के द्वारा ये ऑक्सीजन डिस्कवर किया गया। साथ के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एसआई यूनिट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एसआई यूनिट क्या है? आंसर क्या हो गया बच्चे, वॉट पर स्क्वायर मीटर इसका आंसर है। वॉट पर स्क्वायर मीटर क्या है? इसका आंसर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, अच्छा सेक्स, इन्फेंट सेक्स रेशियो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना, 19 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, हाँ बिल्कुल करना है इसको, इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजर ह्यूमन ईयर फील द सेंसिटिविटी ऑफ, अगर हमें कोई जैसे फोन है और ये वाइब्रेट हो रहा है और हमें सुनाई दे रहा है तो भैया कितनी रेंज होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, जल्दी से बताइएगा कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, आंसर क्या बच्चे, आंसर है 20 हर्ट्ज जो है इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिबल रेंज कह सकते हैं इसे हम, ऑडिबल रेंज के बीच में ही आएगा। मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, आंसर क्या है, एल्यूमिनियम है। बड़ा सरल सवाल,
एल्यूमिनियम क्या है? मोस्ट अबंडेंट है. हु इज द इनोवेटर ऑफ वैशिका दर्शन? जल्दी से बताएगा, वैशिका दर्शन के जो इनोवेटर थे वो कौन थे, प्रवक्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, आंसर क्या है? महर्षि कनंद जो थे, क्या थे? इनोवेटर थे वैशिका दर्शन के. दिमाग में रखिएगा, महर्षि कनंद बहुत बहुत मतलब प्रसिद्ध है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एंड ऑल्सो अ लिक्विड? नॉन मेटल भी है और लिक्विड भी है. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है इसमें से? ब्रोमीन इसका आंसर है. नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में यही पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा. द डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिडेट. डेंसिटी ये जो है कौन से कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, इतनी जो डेंसिटी है कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 27वें क्वेश्चन का आंसर. आंसर क्या बच्चे? 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है. दिमाग में रखिएगा, इतनी डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है. क्वेश्चन नंबर 28 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा. सुल्तान अजलम शाह कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए किस खेल से संबंधित है ये, कमेंट करिएगा. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? हॉकी से संबंधित है. कौन से खेल से? हॉकी से. दिमाग में रखिएगा, लाइव टेस्ट 10 बजे वाले का भी है, लेकिन अब होप सो नेट का इशू. क्वेश्चन नंबर 29, द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन लेवल. बच्चे अगर मैं नॉइस की अगर बात ही करता हूं ना, तो आंसर क्या होता है? डेसिबल आ जाता है. आंसर क्या हो जाता है? डेसिबल आ जाता है जब भी अगर मैं इसकी बात करता हूं. क्वेश्चन नंबर 30 की बात, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इज नॉट रजिस्टर्ड एज द नेशनल पार्टी? आसान क्वेश्चन है, खुद बताएंगे इसका आंसर सभी के सभी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइएगा. विच पार्ट ऑफ द चिंक्योन यील्ड द ड्रग्स? बच्चे कौन सा पार्ट है जिसमें से हमें ड्रग्स मिलता है, जल्दी से बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, आंसर क्या है? छाल में से. किसमें से? चिंकोन की जो छाल है उसमें से हमें क्या मिलती है? औषधि मिलती है. देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसको नहीं करना है क्योंकि मैं इसे 10 बजे वाले लाइव टेस्ट में करा चुका हूं. अगर एक बैरोमीटर है उसका जो पारा है वो एक ही दम से, जल्दी से बताइएगा, अगर एक बैरोमीटर अगर हमने बॉल जार में रखा हुआ है और एयर जो है इसमें से एक ही दम से अगर मैंने रिमूव कर दी, ठीक है, स्लोली रिमूव करिए, चलो एक ही दम से नहीं स्लोली रिमूव करिए, तो उसमें पारे को क्या फर्क पड़ेगा? जो मरकरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगा लेवल, उसका डिक्रीज हो जाएगा, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला. क्वेश्चन 33 का आंसर, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करिएगा. आंसर क्या है? लेवल ऑफ मरकरी विल इंक्रीज. लेवल ऑफ मरकरी विल इंक्रीज, इंक्रीज लिखा नहीं हुआ है, इंक्रीज होता है लेवल. ठीक है, मरकरी का लेवल क्या है? इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें 7 प्लेयर नहीं होते? कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें 7 प्लेयर नहीं होते? 34वें क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, वॉलीबॉल. 7 प्लेयर नहीं, 6 प्लेयर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, पोटेशियम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई बच्चों? पोटेशियम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइएगा बच्चों क्या है, किसके द्वारा? हम्फ्री डेवी के द्वारा पोटेशियम की डिस्कवरी की गई थी. 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 36 इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली वर्क ऑफ वर्क बिलोंग टू द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? बताइएगा कौन सा ऐसा जो काम है जो कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड है. 36वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? मेघदूतम क्या है? संस्कृत से रिलेटेड है. दिमाग में रखिएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 37 का, एंडीज माउंटेन जो है ये कहां पर है? बताइए दो है, एक तो रॉकी है और एक एंडीज है. अब आपसे पूछा गया एंडीज माउंटेन कहां पे, दिमाग में रखिएगा, साउथ अफ्रीका में एंडीज है. अगर रॉकी पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, क्या होंगे? रॉकीज होंगे. और साउथ अमेरिका में क्या है? एंडीज है. देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इशू द रिट? रिट जो है किसके द्वारा? बताइए आज्ञा पत्र किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, दोनों ही कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर और एक और आर्टिकल 226. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. 39,
इंडियन फार्मर डे कब मनाया जाता है, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, बड़ा सरल सवाल है। 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय किसान दिवस। चलिए एक और क्वेश्चन बताएगा, शेरशाह डाई इन कौन सी जंग में, कौन सी वॉर में शेरशाह की मृत्यु हुई थी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, कलिंजार की लड़ाई में, ठीक है, कलिंजार की लड़ाई में शेरशाह की मृत्यु हुई थी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया नॉर्थ स्टेशन, इसमें से कौन सा क्या है नॉर्दर्न स्टेशन है, जल्दी से बताइएगा। नॉर्दर्न स्टेशन इन द सेंस जो हमारे पोल है उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, पोल के ऊपर जो नॉर्दर्न स्टेशन है उसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है, हिमाद्री क्या है नॉर्दर्न स्टेशन का एग्जाम्पल है, पोल जो है पूरी पृथ्वी में उसमें हमारे जो स्टेशन है कि भैया साउथ पोल नॉर्थ पोल उसमें हिमाद्री एक क्या है नॉर्दर्न स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इंडिया की रैंक क्या है वो चेंज होती रहती है इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएगा, सतवाना यूज टू मेक इट्स कॉइन मेनली ऑफ, सतवाना जो थे जो वंश था वो अपने जो मुद्राएं बनाता था वो किस धातु की बनाता था, जल्दी से बताइए। 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस धातु की बनाता था, सतवाना वंश के जो राजा थे वो अपनी मुद्राएं किस धातु की बनवाते थे। 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है इसका, लेड, लेड की बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएगा, वर्ल्ड हाइएस्ट वॉटरफॉल एंजल फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहां पर, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, कहां पर, आंसर आसान है, वेंजुला में, कहां पर, वेंजुला में। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, गवर्नर ऑफ ओडिशा, भैया क्यों पूछेंगे हमें गवर्नर और ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि हम किसी को गुनाह करने से पहले ही उसे जब्त में ले लेते हैं जिसकी वजह से वो गुनाह ना करे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो गुनाह करेगा इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। अब पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं आता। 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, बिल्कुल आसान है, फेयर है इसका आंसर है, बाकी सभी आएगा, डेफिनेटली आसान क्वेश्चन हो गया। 47 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, भैया रिलीजन के लिए हम पेमेंट टैक्सेस की करें इसमें हमें आजादी है, हमें नहीं करना पड़ता, आर्टिकल 27 में ये लिखा हुआ, और ये किससे संबंधित है भैया, आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार है तो डेफिनेटली किससे संबंधित होगा, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन से होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, फीफा जो वर्ल्ड कप होंगे फुटबॉल के वो 2026 में होंगे, 2026 में बच्चे कहां पे होने वाले हैं बताइए। 43 क्वेश्चन का, 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए बड़ा सरल सवाल है, आंसर क्या है बच्चे, बी इसका आंसर है। 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20 का आंसर है, 48 क्वेश्चन का आंसर, और साथ के साथ यार ये भी हो गया कि भैया कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 48 इसका आंसर है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 48 इसका आंसर है, और कोइंसिडेंट है 48 ही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, इसी में कंफ्यूज भी हो गया। ठीक है 49 क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं 49 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने ये गौ समृद्धि प्लस स्कीम जो है डेयरी इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टार्ट की, कौन से राज्य के द्वारा, 49 क्वेश्चन का आंसर, कौन से राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई, दिमाग में रखिएगा, केरला राज्य के द्वारा ये स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी। 49 क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी का आंसर है। 50वां क्वेश्चन, ये सेम है 31 वाला आर्टिकल के तहत, तो भैया फंडामेंटल राइट में आने वाला है। फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, पहली एशियन कंट्री जो कि मार्स ऑर्बिट तक पहुंची थी बच्चे कौन सी थी, जल्दी से बताइएगा कौन सी थी, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 51st क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, इंडिया इसका आंसर है, भारत ही पहले राज्य था देश था जो कि क्या है मार्स ऑर्बिट तक पहुंचा था एशिया में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, एमीटर को यूज किया जाता है। 53rd क्वेश्चन का आंसर बताएगा, पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट करेगा। 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या है।
आंसर क्या है 53rd क्वेश्चन का, ठीक है, सरल सवाल है, सी राजगोपाल चार रहे थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया भी बोला जा सकता है, स्पेन की करेंसी क्या है, 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, सी इसका आंसर है यूरो है, दिमाग में रखेगा यूरो स्पेन की करेंसी है। फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल जो है कांचीपुरम में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, 55th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया, 55 में क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, सी इसका आंसर है नंदी वर्मन के द्वारा, किसके द्वारा, नंदी वर्मन के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, 56 क्वेश्चन का आंसर क्या है, वीनस इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, 5:30 बजे वाली क्लास मिस मत करना, कल भी अपनी 5:30 बजे क्लास है, बढ़िया तरीके से कराएंगे टॉपिक वाइज कुछ और। द मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर इन द नॉर्मल इवेंट रिगार्डिंग द राइज सी लेवल, मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, कहां पे पाए जाते हैं ज्यादातर ग्लेशियर, कहां पे पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, साउथ पोल। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, साउथ पोल बिम्स्टेक कब एस्टेब्लिश हुआ था, 58 क्वेश्चन का आंसर, कब 1997 में बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिम्स्टेक के ऊपर या किसी भी एक एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, दिमाग में रखिएगा, इसमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, आंसर क्या बच्चे, सुक्रोज इसका आंसर है भाई, ये लाइव टेस्ट के क्वेश्चन है, मिस नहीं करना था, 9 बजे इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको 11 बजे प्रीमियर करवाया है, दिमाग में रखना, क्वेश्चन मिस मत करना, सारे देखना। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या बच्चों, 20 का आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ऑन विच डे अर्थ इज क्लोज टू द सन, कौन से दिन जो अर्थ है क्लोज होता है सन के, बड़ा सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 60वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चों, 3 जनवरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए 61st क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करता हूं तो वो मैग्नेट से रिलेट होता है, मैग्नेट से रिलेट होता है, तो आंसर क्या होगा बच्चे, आंसर मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट, अभी हमने ब्राइटेस्ट देखा था, और ब्राइटेस्ट के बाद अगर मैं हॉटेस्ट की बात करूं वो भी क्या है, वीनस है, ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट दोनों में वीनस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मिडनाइट सन कैन बी सीन, मिडनाइट सन जो है नॉर्वे। ठीक है, अब फिर भी पूछा जाए कि भैया इसमें से कौन सा है, नॉर्वे तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, फिर भी आंसर क्या होगा, 63rd क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल जो है यहां पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, वी कैन फाइंड वट विद द हेल्प ऑफ गैलोमीटर, गैलोमीटर की हेल्प से हम किसको पता लगा सकते हैं कि है कि नहीं है, करंट को हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर 0 और 1 की वैल्यू देता है, 0 नहीं है करंट, 1 है करंट। ठीक है, बस गैल्वेनोमीटर करंट को बताने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एस्ट्रोनॉमी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच में, जल्दी से बताएगा 65 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज हम सिर्फ 65 ही क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें सेशन में, क्योंकि लाइव टेस्ट में 100 क्वेश्चन हो पाते हैं, ऐसे इसमें 100 क्वेश्चन नहीं हो सकते। कल मिलेंगे 9 बजे वाले लाइव टेस्ट में दोबारा, एग्जैक्टली 9 बजे ही लाइव टेस्ट होगा, आज बस इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। तो 65 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, अर्थ और सन जो है, अर्थ और सन। जितने बच्चे देख रहे हैं अपना ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जितने बच्चे देख रहे हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी 19,000+ जिसमें बच्चों के, इसे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ये लाइव टेस्ट डेली 9 बजे ही होगा, बस आज इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मुझे 11 बजे प्रीमियर करना पड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो भी नेक्स्ट सेशन होंगे, तो अभी के लिए अलविदा, गुड नाइट टू एवरीवन, 5:30 बजे मिलेंगे और 1 बजे भी मिलेंगे अपने अनअकैडमी सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।